नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विनोद जूनियर। खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बदल गया परसीमन पर। जी हाँ, परसीमन बदला है तो तमाम चीज़ें भी बदल कर सामने आएंगी, और जल्द ही जो है आने वाला जो निकाय चुनाव है उसमें भी लोग अपनी भागीदारी करेंगे। जल्द ही वार्डों की सरकार भी बनने वाली है। लोगों को जब सरकार बनती है वार्डों के, तो विकास की बात करते हैं सभी लोग, और परसीमन कई बार बदला, और इस बार परसीमन में सारे वार्ड के नाम नंबर चेंज हो गए हैं, सबके बदल गए हैं। तीन मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बात करने के लिए। सबसे पहले सपा से आपको मिलाता हूं, राहुल चौधरी साहब मौजूद हैं, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। बंटी माहौर हमारे साथ मौजूद हैं बसपा से, आपका भी स्वागत है। राजेश प्रजापति भाजपा से मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। तीन पार्षद जो कि युवा हैं, और युवा की सोच भी एक अलग सोच होती है, क्योंकि काफ़ी समय से नगर निगम चली आ रही है और तब से लेकर अब तक लगातार वार्डों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इस बार नए परसीमन में कोई वार्ड बढ़ा नहीं है। इसमें 10 गांव को शामिल जरूर किया गया है, नगर निगम के दायरे में लाया गया है। सबसे पहले राहुल आपसे जानना चाहेंगे कि परसीमन बदल गया, चेंज हो गया, वार्ड के नाम नंबर चेंज हो गए हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? परसीमन बदलने से चुनावी जो गणित होता है वो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। आदमी तैयारी करता है 5 साल, लेकिन नगर निगम की ये स्थिति रही है कि हर 5 वर्ष बाद आरक्षण भी बदलता है, और क्षेत्र जब बढ़ता है, शहर बढ़ रहा है, तो परसीमन भी बढ़ाना जरूरी है। परसीमन बढ़ेगा और वार्डों के नंबर बदले हैं, लेकिन समाजवादी लोग आगरा शहर में प्रत्येक गली मोहल्ले में उनके कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता गली गली में मौजूद हैं। वो पार्टी का प्रचार करने का काम कर रहे हैं, और जो 5 वर्ष जो नगर निगम में डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार चलाई, फिर लोकल शहर से लेकर और केंद्र तक, उस सारे लोगों ने उन सारी समस्याओं को झेला है। इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ व्यवस्थाओं का, समस्याओं का, लोग आज भी समस्याएं बनी हुई हैं, तो ये सारी समस्या रही हैं। तो निश्चित तौर पर परसीमन जरूर बदला है, लेकिन समाजवादी लोग डटकर इस चुनाव में अपनी सहभागिता करेंगे और इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। मतलब परसीमन बदला लेकिन समाजवादी नहीं बदली? नहीं, बिल्कुल समाजवादी अपने सिद्धांतों पर, अपने पार्टी के विचारों को आगे लेकर, अखिलेश जी के विचारों को आगे लेकर जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम जनता से यही अपील करेंगे कि आपने लगातार 30 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का आगरा मेयर बनाने का काम किया है, एक बार हम लोगों को मौका देके देखिए। निश्चित तौर पर हम शहर की जन समस्याएं उनका समाधान कराने का काम करेंगे। बंटी, परसीमन चेंज हो गया, परसीमन बदल गया, वार्ड के नंबर बदल गए हैं, इस नंबरिंग से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? वार्ड के नंबर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर फर्क पड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर पड़ेगा, तब कि उन लोगों ने अपने हिसाब से परसीमन कराया है सही तरीके से, ना तो जातिगत आंकड़े देखे और ना ही उन्होंने ऐसा देख, मतलब लोगों से जाके चर्चा करी, अपने हिसाब से परसीमन कराया, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने पिछले 5 साल में आगरा के अंदर कोई विकास कार्य नहीं करा। जहाँ आप जाएंगे वहाँ गड्ढे हैं, पेड़ों के नाम पर भी उन्होंने तमाम पैसा खर्च कर दिया, और नाले उफान पर व्यापारियों को नुकसान हुआ है, तो उनको ज़्यादा चिंता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं वो कैडराज कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम पहले से भी ज़्यादा जीतेंगे, और अब की बार हम आगरा का महापौर भी बहुजन समाज पार्टी से बनाएंगे। आगरा का सुपड़ा साफ करेंगे? नहीं, ये तो पत्रकार महोदय आप कह सकते हैं, लेकिन आज जनता है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ ही देख रही है। जी राजेश जी, परसीमन बदलने से आखिर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, परसीमन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगरा की जो आबादी के अनुसार जो क्षेत्र बढ़ते हैं, शहर के नज़दीक जो आते क्षेत्र, उनको बढ़ने से ये कि नगर निगम में नगर निगम के लिए फ़ायदा है। और जो साथियों ने हमारे यहाँ बताया कि वोटों में और पार्टी में, ऐसा कुछ नहीं है। जब वार्ड भरते, जनसंख्या जो क्षेत्र बढ़ाए जाते हैं वो सभी वार्डों के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं और बढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही वार्ड को, एक ही क्षेत्र को एक ही वार्ड में कर दिया। एक गांव लिया है अगर, उसको भी 3 भागों में डिवाइडेशन करने के बाद समानुपात क्षेत्रों को बनाया गया है।
इसमें मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आगरा नगर निगम के अंतर्गत जितने भी कार्य इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए हैं शायद ही पहले कभी हुए हों, और विकास जितना अब हुआ है शायद पहले ना हुआ हो। हर क्षेत्र में हरियाली को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के नगर निगम अपना पूरा प्रयास करती है और लोगों को जागरूक भी करती है और अपने एक अच्छा प्रयास करके लोगों के बीच में अपनी अच्छी इमेज भी बनाई है भारतीय जनता नगर निगम ने। और मेरे साथी पार्षद पता नहीं कहाँ से बात लेके आए कि जितना विकास अब हुआ है पहले नहीं हुआ है। अब इनसे ये पूछ ली जाए कि पहले महापौर किनके रहे। मनोज जी, हम जो है परिसीमन में बात कर रहे हैं। हमारे साथी भाजपा पार्षद राजेश प्रजापति ने बताया कि हम लोगों ने गांव शामिल किए, लेकिन इनके नेता सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन ये इनकी दोहरी नीति है। जो ग्राम पंचायत शामिल की है वो भाजपा के समर्थक जो गाँव है उनको शामिल किया गया है। जैसे हमारे बगल में दोरोठा ग्राम पंचायत है, बिल्कुल शहर के नजदीक, उसको शामिल नहीं किया। अमरपुरा ग्राम पंचायत को शामिल नहीं किया, इधर रोहता को शामिल नहीं किया, नैनना जाट को शामिल नहीं किया, नैनना ब्राह्मण को शामिल नहीं किया। ये बिल्कुल शहर के छुपटे हुए क्षेत्र हैं। राहुल भाई, मैंने सारी ये नीतियां खेड़ा महुआ खेड़ा ये सारे गाँव क्यों शामिल नहीं किए? राहुल, इस पर विचार भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर सकते। राहुल भाई, मैंने पहले भी ये लोग मैंने आपको बताया ना, बीजेपी के लोगों को बड़ा खतरा है, इसलिए उन्होंने अपने जो उनको ऐसा लगता है कि ये वोटर हमारा है उनको ही शामिल किया। आबादी है तो धनौली ग्राम पंचायत की है, धनौली ग्राम पंचायत को शामिल क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग डरते हैं, जनता के सामना करने से डरते हैं। लोगों के अगर ये गांव तो उन्होंने अपने हिसाब से शामिल किए सारे, निश्चित तौर पर बहुमत के आधार पर। राजेश, बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर क्या परसीमन चिंजोरा बदल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे विपक्षी पार्टी के पार्षद है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो परसीमन हुआ है वो सभी को पहले पता था कि कौन कौन से गांव उसमें ऐड होने हैं और कौन कौन से एरियाज में आना है। उसमें सभी का फायदा है, ना कि एक ही पार्टी का फायदा है। उसमें सभी जातियों के लोग रहते हैं, सभी वो रहते हैं। अरे राजेश जी, राहुल जी, जो गांव के नाम मैंने गिनाए हैं आपको, आप उनका सर्वे करा लीजिए, नगर निगम सर्वे करा ले तो आपको पता चल जाएगा उसकी दूरियों में और जो गांव शामिल किए हैं उसकी दूरियों में कितना अंतर है। देखिए, आप सरासर इस टीवी के सामने बैठकर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। धनौली बिल्कुल अकेरिया मोड़ के बिल्कुल चुपटा हुआ गाँव है, अजीजपुर बिल्कुल चुपटा हुआ गाँव है, दोरोठा बिल्कुल चुपटा हुआ गाँव है मेरे बाढ़ से, कलवारी अमरपुरा बिल्कुल चुपटा हुआ है, शामिल किया जाए। लेकिन बहुमत के आधार पे हाथ खड़े कर दिए गए और शामिल अपने अपने गांव के उन गांवों को आप दोनों बंटी और राहुल दोनों आरोप ये लगा रहे हो कि अपने हिसाब से परसीमन बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आधार क्या है बनाने का, इसका किस आधार पे कैसे बनाया जाता है, परसीमन चेंज क्यों होता है? ये परसीमन चेंज का एक नियम और उसका एक आधार है, अगर पॉपुलेशन 18 लाख से अगर ऊपर चली जाती है तो हम लोग उसको परसीमन को बदलने का काम करते हैं। उसके अलावा जो शहर के नज़दीक वाला ये क्षेत्र है, जो बिल्कुल लगता है कि शहर और ग्रामीण में कोई अंतर नहीं बचा, उसको हम शामिल करने का काम करते हैं। ये सारे नियम हैं नगर निगम के, लेकिन नगर निगम तो चाहता था कि ज़्यादा संख्या में गांव शामिल हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिली भगत के साथ इस कार्य को करने का काम किया। लेकिन हम फिर भी, हम तो जनता के बीच में सिर्फ उनके कार्यों को लेकर जा रहे हैं, उन्होंने 5 साल में किया क्या है। हम जनता को सिर्फ यही कहेंगे कि आपने अगर परेशानी झेली तो सिर्फ उसका एकमात्र कारण है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार नहीं, कहती नहीं, है। नहीं, राहुल, अभी आपने कहा, बंटी आपने भी कहा अभी कि जो है गांव जो नजदीक थे शहरी क्षेत्र के उनको परसीमन में शामिल नहीं किया गया, उनको वार्ड में नहीं लाया गया। जी, जैसे आपने बताया महुआखेड़ा, कुआखेड़ा, आगे बताया आपने जेपी तक शामिल किया गया, जेपी तक शामिल किया, ये जेपी से बाहर है, ये जेपी से आगे है, काफी आगे है, आगे और कलाखेड़िया तक शामिल कर लिया, लेकिन ये गांव शामिल नहीं किए। ऐसा क्यों? क्या रीजन है इसका? बंटी, क्या रीजन है? क्या रीजन है? के अनुसार एक जनसंख्या का आंकड़ा रहता है, उसके अकॉर्डिंग क्षेत्र बढ़ाए गए हैं, और जो शहर से बिल्कुल दूर है उनको भी नहीं लिया गया, जो शहर से बिल्कुल नजदीक लग रहे हैं और बिल्कुल वहां से होकर के मैं सिटी के जो एरिया लग रहे हैं उनको लिया गया है। वार्ड के अनुसार जो संख्या रहती है कि इससे ज्यादा हम एक वार्ड में जनसंख्या नहीं ले सकते, उसके अकॉर्डिंग ये परसीमन हुआ है। और परसीमन कहीं भी गलत नहीं है, सही परसीमन हुआ है,
सबकी सहमति से हुआ। ये तो विपक्ष पार्षद के पार्षद है जो आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जनता देख रही है कि कौन आरोप लगा रहा है, कौन जनता के लिए संघर्ष कर रहा है। राजेश जी, पहले कितनी जनसंख्या का नियम था, आपकी सरकार ने क्या काम किए, ये जनता ने बलीमाती देखा है। राजेश जी, पहले जो काम के आधार पर परिसीमन नहीं बन रहा है, कितने अभी काम के आधार पर अभी परिसीमन नहीं बना। विनोद जी, ये भाजपा के लोग हर समय से इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वोट की बातें हैं, वोट की राजनीति करते हैं। अगर यानी उधर भाजपा के वोटर नहीं है, जिधर परिसीमन नहीं बनाया है, जिधर परिसीमन नहीं बनाया तो उधर भाजपा वोटर नहीं है। परिसीमन नहीं बढ़ाया, इसका मतलब इनको डर लगता है अगर वो लोग शामिल हो गए तो हमारी मेयर की सीट हम हार जाएंगे। ये तो मानक बता रहे हैं, राजेश ने तो मानक बताया कि भाई एक मानक है कितना अगर जनसंख्या वहां पर है तो इसे परिसीमन में शामिल किया जा सकता है। बंटी, आपके आधार पर क्या है? मेरे आधार पर जैसा राहुल भाई कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इनको डर था। इन्होंने भी सिर्फ अपने जहाँ पर इनको लगता है कि हमारे यहाँ वजूद है उन गांवों को शामिल कर लिया है, और इन्होंने देखा है कि यहाँ से हम सीटें हारेंगे। तो क्या जनसंख्या के आधार पर करते हैं, कैसे परिसीमन बनाते हैं? नहीं, जनसंख्या के आधार पर तो मैं अपने साथी पार्षद राज जी से पूछना चाहता हूँ। अभी ये इन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करना है, तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले क्या कितनी जनसंख्या आपका परिसीमन था? अभी इन्होंने 14,000 तो विनोद जी हुई नहीं है इस, हाँ भी नहीं हुई अभी तो, मतलब हर 10 साल बाद जनसंख्या होती है, वो जनगणना हुई नहीं इस बार तो इन्होंने परिसीमन कर कैसे लिया? ये तो प्रस्ताव गया था ना, काफी पहले गया था प्रस्ताव, ये 2019 में गया था ना, 2019 में गया था प्रस्ताव ना। एक वार्ड में लगभग 18,000 से ज्यादा की आबादी नहीं होनी चाहिए सर, उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए परिसीमन हुआ है और उसी को देखते क्षेत्र बढ़ाए गए हैं। ये तो हमारे विपक्षी पार्टी राजेश जी को पता नहीं है कि नगर निगम 100 वार्ड से ज्यादा 110 वार्ड भी हो सकते हैं, ये राजेश जी को पता नहीं है। नगर निगम का नियम जो 110 वार्ड भी हो सकते हैं, 10 पहले भी शामिल हो सकते थे, पहले भी आगे भी वार्ड बढ़ाए जाते थे। क्यों बनाए जाए जब 100 वार्डों में वो काम हो सकता है, 110 पहले नहीं। अरे भैया, जो क्षेत्र शामिल नहीं किया, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं। पहले नहीं बढ़े हैं, शहर में है, पहले भी तो बढ़े हैं, उनको शामिल नहीं किया गया, हम उनकी बात कर रहे हैं। राहुल जी, आप पहले नगर निगम एक्ट पढ़ के देखिए। हां, मैंने मुझे जानकारी है सब, जनसंख्या से ज्यादा एक वार्ड में नहीं हो सकते। कितनी राय जी, कितनी बताइए, नहीं जनसंख्या बताइए। 18,000 तो कह रहे हैं, 18,000 कह रहे हैं। तो क्या सभी मतलब पूरे 100 वार्डों में 18,000 के हिसाब से जनसंख्या है? आप बताइए, हो सकता है एक वार्ड ऐसा हो जिसमें 18,000 से कम हो, लेकिन पॉपुलेशन नहीं, नियम है वो सही हुआ है, नियम है। हमारे साथी पार्षद आरोप लगा रहे हैं, नहीं नहीं, नियम है तो फिर वो नियम होना चाहिए, सभी 100 वार्ड में 18,000 होना चाहिए। नहीं नहीं, गलत, नहीं गलत, आप टीवी पे बैठ गए टीवी पे बैठ के जनता को बरगलाइए ना, क्योंकि आपने कहा 18,000 जनसंख्या। अभी मैं अपने वार्ड की बात करूँ तो बताइए कितना है, कितनी जनसंख्या है मेरे वार्ड की नए परिसीमन में? नहीं, 18,000 की आपको बताया ना राजेश जी, आप बताइए ना मेरे वार्ड की कितनी है। आपने पूरा नियम पढ़ा है? कुछ कुछ नहीं, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपने कहा है ना 18,000। बंटी, क्या आपको वार्ड का नंबर चेंज हुआ है? क्या कुछ मोहल्ले भी चेंज हुए, उसमें कुछ कटके गए आगे पीछे कहीं? कुछ मोहल्ले, हाँ मेरे मोहल्ले से कुछ इधर उधर भी हुए, नंबर भी चेंज हुआ है। पहले मेरा 18 था, अब 17 हुआ है। कितने वोटर थे आपके यहाँ पहले? पहले मेरे यहाँ थे 12,500 वोटर। 12,500 वोटर थे, अब कितने हो जाएंगे? अब 14,500 वोटर दिखा रहे हैं उसमें, के मेरे वार्ड से कम से 800-900 वोट कट गए, पता नहीं कहाँ के वोटर दिखा रहे हैं अब ये लोग। अभी वोट बढ़े नहीं है राहुल मेरे क्षेत्र, अब ये मुझे तो लग रहा है फर्जी, इनका फर्जी का काम चल रहा है। 5 वोट थे पिछली बार, अब कितने मोहल्ले और शामिल किए गए उसमें? अब तो हम पे सूची आई नहीं है, लेकिन मोहल्ले कुछ शामिल किए हैं, कुछ हिस्सा कटा भी है हमारे यहाँ से, तो लगभग बराबर रहेगा बैलेंस अगर देखा जाए तो। ये तो जानकारी हम लोगों को मिल जाएगी, सूची प्रकाशित हो जाएगी, तो हम लोग वोटर लिस्ट को निकालने का काम करेंगे। इस वार्ड में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे वोटरों के हिसाब से? जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जनता के बीच में रहता है, जनता के सुख दुख में साथ रहता है, उनके कार्य करता है, विकास के काम कराता है, उनके लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बाहर जुड़ रहा है, कौन सा हट रहा है, क्योंकि जनता सब देखती है, आसपास के लोग भी इस बात को जानते हैं कौन व्यक्ति उनके लिए काम कर रहा है। अच्छा, क्या उम्मीद थी कि इस परिसीमन में कुछ वार्ड और बढ़ाए जाएंगे? कुछ उम्मीद थी, हम लोगों को उम्मीद थी कि परिसीमन में वार्ड बढ़ाए जाएंगे, तो उस हिसाब से वार्डों का कार्य भी अच्छा होगा,
क्योंकि हमने ये 4 साल का पीरियड देखा है, इतना भेदभाव हुआ है, जो सत्ताधारी पार्षद हैं उनकी फाइल और जो कार्यकर्ता हैं उनकी फाइल तो घर बैठी हो जा रही है, और विपक्ष के पार्षद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी भी के साथ नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं प्रमाण दे दूंगा, मैं प्रमाण दे दूंगा, मैं प्रमाण दे दूंगा राजेश भाई, राजेश भाई प्रमाण दे दूंगा, महापौर जी की तरफ से मैं प्रमाण दे दूंगा। और मेरी एक बात, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका आप जवाब दे दीजिए, क्या पार्षद को कोई इतनी मोटी सैलरी मिलती है, क्या एक सैलरी चली जाएगी अगर पार्षद बढ़ा देंगे? पार्षद तो जनता का सेवक होता है। नहीं, अभी तक कौन सा वार्ड था मेरा? हाँ, वार्ड नंबर 18 था। अब कितना हो गया? वार्ड नंबर 17 हो गया। ये 17 पहले कहाँ था? ये पहले 17 वार्ड था जीन की मंडी में। ओके, लेकिन मेरी बात पूरी नहीं हुई भाई साहब। क्या पार्षद को कोई ऐसी मोटी सैलरी नहीं मिलती है? लेकिन पार्षद एक जनप्रतिनिधि होता है और जनता का सच्चा सेवक होता है, जो बिना सैलरी के काम करता है। अगर ये पार्षद भी बढ़ा देते, वार्ड बढ़ा देते, तो उस क्षेत्र में ज्यादा विकास होता, ना कि अब जिन पार्षदों का क्षेत्र इतना बड़ा कर दिया गया है। और इन अगर कहीं भी ऐसा होता है कि ये यहाँ हार जाते हैं, उस वार्ड को हार जाते हैं, तो फिर आप देखिएगा उस वार्ड की क्या पोजीशन करेंगे ये लोग, क्योंकि ये बदले की भावना से कार्य करते हैं। विपक्ष के पार्षद धरना दे रहे हैं तब भी उनके काम नहीं हो पाते हैं, सत्ताधारी कार्यकर्ता एक वार्ड अध्यक्ष है उसके कहने से भी कार्य हो जाता है, तब की इनकी सरकार और इनके और आगरा के महापौर जी का कहना था सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमको और आगरा की जनता को कहीं भी सबका साथ सबका विकास नहीं लगता है, न दिख रहा है उनको। इनको बाढ़ बढ़ाने चाहिए थे, बाढ़ बढ़ाने चाहिए थे आगरा का, और जो क्षेत्र जोड़े गए उन क्षेत्रों का विकास तभी हो पाता। उसी के तहत नगर निगम ने कार्य कराए हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। हमारे साथी पार्षदों के पास तो कोई और मुद्दा रहा नहीं, तो आरोप भी लगा ले। लेकिन मैं इन साथी पार्षदों से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना काल दो बार आया, समाजवादी पार्टी तब कहाँ थी, बहुजन समाज पार्टी तब कहाँ थी जब कोरोना काल आया? उस पीरियड में केवल भारतीय जनता पार्टी का छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़ा नेता तक जनता के बीच में था, उनकी मदद करने के लिए खड़ा हुआ था। कोरोना काल में अखबार और मीडिया के माध्यम से बार बार दिखाया जा रहा था सत्ताधारी बड़े बड़े नेता घरों में घुस गए थे, बड़े बड़े नेता सैनिटाइज हुआ, बड़े बड़े नहीं तो बंटी माहौर ने भी किया, बड़े बड़े नेता घरों में घुस गए, बड़े बड़े नेता घरों में घुस गए। तो हमारे पास बता दो रिकॉर्ड है, प्रशासन ने इस तरीके से काम किया, मैंने प्रशासन के आला अधिकारी से रिकॉर्ड है और राहुल का भी रिकॉर्ड, मैंने प्रशासन के आला अधिकारी से कहा विनोद जी, सब हमारी नजर में कोविड में काम किया विनोद जी, मैंने एक प्रशासन के आला विनोद जी एक चीज देखी होगी, कोरोना काल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई सी पार्टी नजर नहीं आई। नहीं, अगर आप कोई प्रूफ हो और जनता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर कार्य किया है, तो अगर आपके कहीं फोटो या वीडियो हो तो आप उसको बताइए। विनोद जी मैं आपके बीच में जो राजेश जी ने जो बातें कही है उस पर बात करूंगा। ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने बिना भेदभाव के आगरा शहर में विकास करने का काम किया है। ये डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, लगातार योगी और मोदी कहते हैं कि हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, हम क्षेत्र देश और प्रदेश में विकास करने का काम कर रहे हैं। लेकिन लगातार नगर निगम 2019 से अखबारों में प्रकाशित करता रहता है खबर, पार्षद ने भी आरोप लगाए, हमारे सभी साथियों ने, चाहे विपक्ष के हो या पक्ष के लोगों ने, उन्होंने सिर्फ एक आरोप लगाया कि नगर निगम में पैसा नहीं है, ठेकेदारों को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, भुगतान नहीं हो रहे हैं, विकास के कारण नहीं हो रहे हैं। अगर ये बात झूठी है तो ये राजेश जी बताइए इस बात को, अगर राजेश जी इस बात को बताइए इसका मतलब आप जो है जनता के साथ बिल्कुल राजेश प्रजापति ने करी, चाहे एक्सीएन की शिकायत हो वो इन्होंने करी। अगर ये झूठ टीवी के सामने कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्षद नगर निगम में धरने पे बैठ गए थे और राय जी कह रहे हैं सबका साथ साथ
सबका विकास, तब की कुछ चाहते पार्षदों का ही कार्य हो रहा है। कुछ पर्सनली चीज पार्टी विरोधी पार्षदों है, ये कोई गलत नहीं। राजेश बंटी अभी हम बात कर रहे हैं परसीमन के ऊपर बात कर रहे हैं। विकास देखिए सदन आप लोगों को लगी, कितनी बार सदन लगी थी? अरे विनोद जी, हमने आपको पिछली बार भी ये बताया कि सदन से बचने का काम भाजपा के लोग और भाजपा के मेयर नवीन जैन जी कर रहे हैं। वो सदन नहीं बुलाना चाहते, ना सदन पर चर्चा करना चाहते। जब सदन आया, सदन आया तो सदन पे स्थगित करने का काम किया और बजट समाजवादी पार्टी ने विरोध करके सदन को स्थगित करा दिया। जब जनता के मुद्दों से बचना चाहते हैं, जनता के मुद्दों को तो उठाने नहीं चाहते सदन में ही। ये तो जनता जान रही है कि जनता के मुद्दों से हम लोग बचना चाह रहे हैं। अब जब जनता के फेवर की बात आ रही थी तो आप लोगों ने विरोध कर दिया, सदन को स्थगित करा दिया। महापौर जी प्रॉपर सदन विरोध आपने किया, हम तो महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायियों के स्पूत बनाने का समर्थन कर रहे थे, हम अंबेडकर जी का समर्थन कर रहे थे, आपने विरोध आपने किया। आप दलितों से बुरे काम करते हैं, चलिए बताइए एक एक करके बात करिए तो बात भी जनता समझ में आएगी हम बोल क्या रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। अभी फिलहाल परसीमन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अभी आबादी कितनी है, सिटी क्षेत्र की आबादी कितनी मानते हैं अभी नगर निगम के दायरे में जो लोग आते हैं, कितना है अभी वो? लगभग नगर निगम का आंकड़ा जो कहता है 16.5 लाख के आसपास, 16.5 बढ़ गया। अब जो है अब ये बढ़ा हुआ तो पता चलेगा कितना बढ़ा है, कितना वोट जनसंख्या उन्होंने निर्धारित करी है, बढ़ाई है। अब ये लोग तो अभी 2018-2017 में क्या था फिर, उस समय लगभग 12.5 लाख के आसपास? नहीं इतना ही था, जब मैं तो आपको बता रहा हूँ 15-16 के आसपास, 15-16 के आसपास है। अब आबादी बढ़ेगी, क्षेत्र भी बढ़ेगा, दोनों चीजें बढ़ेंगी, क्या निगम क्या सदन में क्या बजट भी बड़ा करेगा या वही बजट रहेगा पहले जैसा ही? नहीं, निश्चित तौर पर निगम को बजट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब क्षेत्र बढ़ रहा है तो उसमें विकास की मांग भी होगी, साफ सफाई के लिए भी कर्मचारी लगेंगे, गाड़ियां भी लगेंगी और विकास के कार्य भी होंगे, लाइट भी लगेगी, नाली सड़क खरंजा भी बनेगा, तो निश्चित तौर पर विकास भी बढ़ना चाहिए। बजट जो है पिछले कार्यकाल जो कार्यकाल निकला है 12-17 तक, उससे ज्यादा नगर निगम की आय बढ़ी है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी नगर निगम के पास लायबिलिटी 80 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है नगर निगम के, नगर निगम के ऊपर ठेकेदारों की और सारे कर्मचारी। वैसे निगम में क्या ये पैसा जा कहां रहा है? जो जो टैक्स आता है, जो कर आता है, जो टैक्स जो कर आता है, वो लगभग पर ईयर का क्या रिकॉर्ड है नगर निगम का? अभी देखिए नए पिछले जो कार्यकाल में 21-22 में ये लगभग 55 करोड़ रुपए से ऊपर, ये 60 करोड़ का आंकड़ा था, लगभग 55 करोड़ से ऊपर पहुंचा था ये आंकड़ा। इतना तो बिजली का बिल जमा कर देते हैं सालाना। हाँ निश्चित तौर पर निगम तो इतना बिजली का बिल जमा कर देता है सालाना, इतना नहीं है, कम है बिजली का बिल। अगर इतना जमा कर देता तो 200 करोड़ जहाँ तक मेरी जानकारी में है, बिजली का बिल 4 करोड़ रुपए पर मंथ जमा होता है निगम का, 3.5 से 4, 4.5 के बीच का जमा होता है। नहीं है, लगभग 1 से 2 के बीच में है, इतना नहीं है, लेकिन नगर निगम की जितनी अर्निंग है और जो भी स्रोत है सभी को मिलाकर के नगर निगम द्वारा महापौर जी द्वारा 100 वार्डों में समान अनुपात में विकास कार्य कराए गए हैं और अभी भी विकास कार्य हो रहे हैं। चुनाव अरे राजेश जी टीवी पे बैठ के झूठ नहीं बोला जाता, 456 टेंडर लगे और ठेकेदारों ने कोई नहीं डाले, टेंडर नहीं पड़ा था इस बार, टेंडर नहीं डाले। अरे पहली बार की बात नहीं, नगर निगम ने नहीं डाला, उन्होंने अपील करी ठेकेदारों से कि आप टेंडर डाल लीजिए, तब ठेकेदारों ने कहा कि हमारा भुगतान तो कर दीजिए, टेंडर का बड़ा बोल वाला था, टेंडर का बड़ा बोल वाला था, जब टेंडर पड़ा तो उसमें कोई लेने के लिए नहीं गया टेंडर। मैं एक चीज पैसा तो सब मैं राहुल जी को बंटी जी को दोनों को बताना चाहूँ, अगर ठेकेदार टेंडर नहीं डाल रहे हैं तो जब ये विकास कार्य कहाँ से करा, इसका जवाब दे दिए। जब ठेकेदार टेंडर डाल रहे हैं आपके तभी तो विकास कार्य के लिए भेदभाव नहीं है कोई, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। भाजपा को भाजपा के लोगों को एक ट्यूशन मिलता है के सामने खड़े होकर झूठ पे झूठ बोलिए, उसको सच साबित करने का काम करिए, ये तो विपक्ष का काम है, भाजपा ही बैठकर झूठ सिखा सकती है और ये बताइए आप लोग ये बताइए कि परसीमन जैसे बदल गया, कुछ वोटर भी इधर से उधर ट्रांसफर होंगे
और ग्रामीण क्षेत्रों के वोटर भी आएंगे यहाँ पर, अब उनको भी शामिल किया गया है। तो अभी मतदाता सूची के लिए क्या कुछ काम शुरू हुआ है अभी तक, क्या कुछ पुनरीक्षण का कार्य शुरू हुआ है, जोड़ने का कार्य शुरू हुआ, क्योंकि अब तीन महीने का, दो महीने का मुझे लगता है चुनाव और रहेगा। नहीं, मतदाता सूची पर नगर निगम काम कर रहा है, उनको वोटों को घटाने का और उनको जोड़ने का, जो परिसीमन में वार्ड शामिल हुए या मोहल्ले कट रहे हैं काम किया जा रहा है, और इसको जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पर पहुंचाने की बात भी कही गई है। अब देखते हैं कि 2 तारीख तक ये सार्वजनिक हो जाएगी ये जो वोटर लिस्ट जो है, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि कितना वोट बढ़ा कितना कटा, उसके बाद नए वोट बढ़ने का काम भी शुरू होगा, 10-15 दिन का मौका मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव नज़दीक है, और आपके माध्यम से तो मैं तो जनता के बीच में भी ये अपील करूँगा कि जब भी आपके आपके पास भाजपा का आदमी आए उससे ये बात जरूर करें कि आपने हमारे क्षेत्र में कौन सा विकास कार्य किए, जब हम जलभराव में परेशान थे, गिर रहे थे नालों में, तब आप हमें बचाने क्यों नहीं आए, तब हमारे यहाँ के पानी को निकालने क्यों नहीं आए, हमारी कच्ची गलियों को बनवाने क्यों नहीं आए, हमारे यहाँ प्रकाश की व्यवस्था करने क्यों नहीं आए, ये सारे बातें उनको राहुल 30 साल राहुल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी बच्ची को लेके हाथ में पेट्रोल की सीसी लेके सिर्फ इस बात के लिए सोशल मीडिया का माध्यम से और सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है कि मेरे यहाँ से ये कूड़ा उठ जाए। अब ये कूड़ा टाइम से नहीं उठवा पा रहे हैं, ये विकास की बातें कर रहे हैं, विकास तो कहीं भी जनता पार्टी के बहुत सी कंपनी आई और चली भी गई, बहुत सी कंपनी आई भी और चली गई। पूरे 5 साल क्या इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच रही है, जनता की समस्या को समाधान किया है। आज भी आप पहले के अपेक्षा देखिए जल भराव मानते हैं थोड़ा बहुत कहीं कहीं हुआ है, लेकिन पहले कितना सुधार हुआ ये जनता भी जानती है। नाली खरंजे लाइटिंग से लेकर के इस कार्यकाल में बहुत काम हुए हैं, जगमग क्षेत्र है सारे, अगर आपके द्वारा सर्वे कराया जाए तो आप खुद इस बात को कह सकते हैं। वैसे राजेश लगभग 48 करोड़ के आसपास बिजली का बिल जमा होता है जी, लगभग इसके अलावा डीजल भी है, पेट्रोल भी है, और लोगों के कर्मचारियों की सैलरी भी है, उसमें मेंटेनेंस भी है और बहुत सारी चीज़, सड़क भी बनाना है, टूट फूट है उसको ही बनाना है, जहाँ खुदाई करेंगे वहाँ भी उसी बनाना पड़ेगा। इतना कुछ होने के बावजूद आखिर निगम जो वसूली कर पाता है वो बता रहे हैं 60 करोड़ के आसपास की वसूली रही है साल की, ये एक पिछले साल की वसूली थी 60 करोड़ की, इस बार बढ़ा करके उसको ज़्यादा कर दिया गया, 1 करोड़ 1 अरब मान लें, 100 करोड़ के 1 अरब का है वसूली, लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है 100 करोड़ का रखा गया है। उसके बाद जो निर्माण कार्य है, पंद्रह वित्त है और भी जो निधियां है उसके अकॉर्डिंग जो निधियों से पैसा आता है उसको भी विकास कार्य में लगाया जाता है, उससे विकास कार्य कराए जाते हैं। पंद्रहवें वित्त से सैलरी दी गई थी कोरोना काल में, देखिए कोरोना काल में लोगों को स्थिति कुल मिलाकर ये मान लें कि अब जो गांव नजदीक है शहरी क्षेत्र में, अब वो जब जुड़ेंगे तो उनमें भी सड़क नाली खरंजे और उसका भी मेंटेनेंस लाइट वगैरह सब प्रॉपर रूप से मिलेगी उनको, सीवर गंगा जल योजना ये सब मतलब वहां तक पहुंचेंगे तो निगम का खर्चा बढ़ेगा। जैसे जैसे हम क्षेत्र बढ़ाए गए क्षेत्र शामिल हुआ है नगर निगम की अर्निंग भी बढ़ेगी और विकास कार्य भी अच्छे होंगे। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र बढ़ने से विकास कार्य ना हो, नगर निगम की अर्निंग बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी साथ साथ विकास कार्य भी अच्छे होंगे। जब आमदनी नगर निगम की अच्छी होगी तो लाजमी है कि जाहिर है कि उसका विकास कार्य भी उतने ही अच्छे होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का स्टूडियो में शामिल होने के लिए, यहाँ पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि आगरा का परसीमन वार्ड का यानी कि निगम का बदल गया है और इसमें वार्ड तो नहीं बढ़े हैं लेकिन कुछ गांव की संख्या 10 के आसपास बढ़ाई गई है। उम्मीद है उन गांव को भी अब जब यहाँ इसमें शामिल किए जाएंगे निगम में तो उनका भी विकास होगा, सड़क नाली खरंजे सीवर लाइट ये तमाम चीज़ें ऐसी होंगी जो वहाँ पर विकसित होंगी, तो लोगों को असुविधा जो हो रही है वो सुविधा में बदल जाएगी। राहुल बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, बंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, और राजेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर हमारी आपके कुछ और मुद्दे के साथ में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम सभी को चलने के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।